हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो फिर काफी दिन बाद वीडियो आ रही है, तो फिर आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है? और डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। और अभी आप लोग याद कर लो, ठीक है? फिर उसके बाद आने वाले टाइम पे हम इसको पूरा अच्छे से वेरीफाई कर देंगे कि क्या यूजेस होंगे आने वाले समय में और क्या नहीं। तो आज की जो वीडियो है वो कैंडल स्टिक पे है, ठीक है? कैंडल स्टिक, ठीक है? आप लोग कैंडल स्टिक को पहचान लो। ये आपके हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम आएगी, कहीं भी हो, ठीक है? स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, ठीक है? बाइनरी हो, ठीक है? बस आपको कैंडल स्टिक को अच्छे से रीडिंग करना। देखो, सिंपल सा, सबको तो ये पता है, ठीक है? ये इनकी ओपनिंग हो गई बुलिश की, ये क्लोजिंग हो गई, ठीक है? ये ऊपर से सेलर हो गए और नीचे से बायर हो गए, बुलिश का ये हो गया, ठीक है? अब बेरिश का भी इसी तरह है अपना। ये बेरिस कैंडल है, ठीक है? तो ये बेरिस की अपना ये ओपनिंग हो गई, ठीक है? ये क्लोजिंग हो गई, ठीक है? इसमें भी सेम टू सेम ये सेलर साइड वीक हो गई और ये बायर साइड वीक हो गई। इतना क्लियर है, ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है? इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? इन कैंडल के आने वाली वीडियो में इंटरनली हम लोग चीज समझेंगे कि कैंडल के इंटरनली पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको केवल रिमाइंड यानी माइंड में रखने के लिए मैं वो वीडियो है, ठीक है? कि आप इस चीज को अच्छे से देख लो। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी वीडियो रहेगी, और जिससे कि आपको याद हो जाए। ज्यादा बड़ा बड़ा बनाने से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है? ऐसे आप दो बार देख लो, एक बार भी देख लोगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। तो आज की ये कैंडल्स है, कैंडल को अच्छे से पहचान लो, ठीक है? कौन सी स्ट्रांग होती है, कौन सी वीक कैंडल होती है। तो ये मैं बुलिश की बना रहा हूँ, ठीक है? मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं डायरेक्ट कैंडल बना दे रहा हूँ और आप लोग टाइप कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज, कौन सी क्या कैंडल है, ठीक है? ठीक है गाइस, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और अभी बुलिश की ही सारे पार्ट्स बना रहे हैं, और आप लोग देख लेना, ठीक है? और आपके ये सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में काम आएंगी। बट इन कैंडल्स का यूज क्या करना है, कैसे यूज करना है, आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा, ठीक है? ये कैंडल कब काम करती है, कब नहीं, कब हमको इनको देख के कब क्या एक्शन लेना चाहिए कैंडल्स को, तब हम उन कैंडल्स को आराम से वेरीफाई करेंगे, ठीक है? ठीक है, इस कैंडल्स को ध्यान से देख लेना, इसीलिए कह रहा हूँ। थोड़ा डिजाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसके लिए सॉरी यार। देखो गाइस, हर कैंडल का अलग अलग रिएक्शन होगा और हर कैंडल का अलग अलग सिस्टम होगा। हमें इनको देख के कब एक्शन लेना है और कब एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बट आने वाली वीडियोस में, ठीक है? अभी आपको कैंडल केवल पहचानना है। तो ये देखो गाइस, ये आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है? चलो मैं टाइप भी कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये आपकी, इसके बाद ये आपकी आपकी न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है? ये आपकी वीक कैंडल है, और एक सेकेंड, ये आपकी न्यू, ये आपकी न्यूट्रल कैंडल हो गई, ठीक है? ये आपकी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है? ये एक नॉर्मल कैंडल है, बट यूज कैसे होगा ये आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में पता लगेगा, ठीक है?
ये आपकी वीक है यानी कमजोर कैंडल है, और ये आपके एक न्यूट्रल है, और ये सब कैंडल्स का यूज आपको पता लगेगा कि ये कब कंटिन्यूअस बनती हैं, कब रिवर्सल बनती हैं, कब कैसे क्या काम करती हैं, सपोर्ट पे क्या काम करेंगी और रेजिस्टेंस पे क्या काम करेंगी, ठीक है। ये आने वाली, और इनके इंटरनल पार्ट्स को भी हम लोग देख लेंगे कि अंदर की पर्सनैलिटीज ये वीक और ये वीक को कैसे जजमेंट करेंगे, ठीक है। और एक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एक्शन कैसे लेना है, ठीक है, वो पता लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सेम टू सेम बेरिश साइड का बना दे रही है, बुलिश साइड का है, अभी बेरिश साइड का भी आप लोग देख लो, ठीक है। देखो डिजाइन भी मत जाना गाइस, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, बस कैंडल इस तरह की होंगी, बस ये देख लो बस। इन सब का नाम भी अलग अलग है, ठीक है, वो आने वाली वीडियोस में मैं नाम भी एक्सप्लेन कर दूंगा, हर कैंडल का नाम अलग है। देखो नाम याद करना नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको पहचानना जरूर आना चाहिए कि ये कैंडल ये है बस, पहचान बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रिमाइंड करना जरूरी नहीं है माइंड में, बस माइंड में देखते ही आ जाना चाहिए ये कैंडल ये है, ठीक है, ये कैंडल ये बनी है, ये कैंडल यहाँ पे ये वर्क करेगी, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अब इनकी नॉर्मल कैंडल देख लो, सेम टू सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं रहेगा। देखो ये नॉर्मल कैंडल कब स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी, कब क्या बनेंगी, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो ये आपकी नॉर्मल कैंडल हो गई है, अब ये इनको कमजोर कैंडल देख लेते हैं यानी वीक कैंडल देख लेते हैं। देखो शुरुआत में मैंने इसीलिए इनका प्रेशर दिखाया था कि ऊपर से बायर होते हैं, नीचे से सेलर होते हैं अकॉर्डिंग टू वीक, ठीक है, वीक कह लो यार, ठीक है, ये आपकी वीक कैंडल हो गई है। अब नॉर्म न्यूट्रल कैंडल देख लेते हैं, जो न्यूट्रल होती हैं यही बना देते हैं वीक न्यूट्रल कैंडल। अब ये न्यूट्रल कैंडल भी रिवर्सल का काम करती है, बट कब, ठीक है, सेम ही चीज है बैरिस और बुलिस में, सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये आपकी न्यूट्रल कैंडल हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी वीडियो रहेगी जिससे कि आप अच्छे से याद कर सकोगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक ये स्ट्रॉन्ग, ये न्यूट्रल, सॉरी नॉर्मल, ये वीक यानी कमजोर कैंडल हो गई, और ये आपकी न्यूट्रल होंगे, ठीक है। अब नॉर्मल और न्यूट्रल में क्या डिफरेंट है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी केवल फोकस आपका केवल कैंडल स्टिक पे होना चाहिए, क्योंकि फिर आने वाली वीडियोस में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को और गैप अप गैप डाउन को जब कवर करेंगे, रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस को जब कवर करेंगे, तो आपको यही चीजें वहां पे काम आएंगी, ठीक है, यही चीजें। इसीलिए छोटी सी वीडियो है, अच्छे से पहचान लो और समझ लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड जो लोग न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।